नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। बिलारी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। उत्तर प्रदेश शासन के कृषि तथा कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज अपने मुरादाबाद जनपद भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी का भ्रमण किया एवं कृषि गोष्ठी में कृषकों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कृषि के चहुमुखी विकास में किसानों की उन्नति खुशहाली हेतु दृढ़ संकल्पित है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र में मोदी व राज्य में योगी सरकार किसानों की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस अवसर पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, MLC जयपाल सिंह व्यस्त, सतपाल सैनी, गोपाल अंजान तथा जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन एवं अधिकारी व विधायक गण तथा भारी संख्या में किसान व आम जनता उपस्थित रही। इसी क्रम में मेरा निवेदन है, निर्देशन का भी कार्यभार है जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। शॉल पहना करके हम सम्मानित करें। खुशी पंडित राज्य आपको यहीं पर आपका भोजन का पैकेट दे दिया जाए। लीटर 5 लीटर करें और 5 लीटर करने के लिए हमको नस्ल का सुधार का कार्यक्रम चलाना है और हापुड़ के भीतर बनाया। हम लोगों ने ये तय किया है। अभी मैं पूछ रहा था यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर से, ACKV के जो यहाँ पर अभी जाने वाला हूँ मैं, उनका बगल में फार्म है हॉर्टिकल्चर का, 21 लाख रुपए का उन्होंने आम बेचा है वहां से इस साल। बाग भी लगाइए तो अच्छा है, बाग के भीतर वो सब्जी भी पैदा कर रहे हैं और साथ साथ में जो है वो आलू भी लगा रहे हैं और मुझे हल्दी भी दिखाई थी, हम उसके भीतर पैदा कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बात के लिए तय किया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कि अब की बार हम हर जनपद के भीतर 2 हाईटेक नर्सरी बनाएंगे। और हॉर्टिकल्चर का एक फार्म है तो हॉर्टिकल्चर के देखो दूसरे विभाग का जो फार्म होगा तो उसके ऊपर हाईटेक नर्सरी बनाएंगे। आप पूछेंगे हाईटेक नर्सरी सर क्या होगा? आप जब सैनी लोग बहुत हैं यहाँ पर, अधिकांश सैनी सब्जियों का ही खेती करते होंगे, तो वो जब पौधा लगाते हैं लौकी का, नेनुए का, तरोई का, टमाटर का, मिर्चे का, तो उसको निकलने में जो है वो लगभग 1 से 1.5 महीना भी डालते हैं, तो 1 से 1.5 महीना। आपका पैसा है आपको, गांव का पैसा गांव को, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। इसीलिए उन लोगों को तकलीफ होती है जो बिचौलिए थे, ये कैसे आकर के बैठ गए, कोई शिकायत नहीं है। आज नहीं दिए कल देंगे आप, लेकिन हमने भेदभाव नहीं किया है योजनाओं में। मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस बात के लिए होना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना है। और इसलिए हम लोगों ने बिना भेदभाव की योजनाओं को लागू किया। मैं देख रहा हूं कि 48 करोड़ रुपए से ऊपर के तो 48,755 करोड़ रुपए के तो खाली कृषि यंत्र से हमने काम बढ़ाया है आगे की बात। और इसीलिए बढ़ाया कि प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि किसानों की आमदनी को दुगुना करना है। हम चाहते हैं कि दुगुना नहीं 3 गुना हो जाए, वो आप मेरे सत्संग और सरकार और आप और इन लोगों के प्रयासों से ही संभव है। आप नहीं प्रयास करोगे तो संभव नहीं है। घर में आटा हो और उसको गूंथने वाला गूंथ के रख भी दे और रोटी सेकने नहीं जाओगे तो रोटी हमारे थाली में नहीं आने वाली है ना मुंह में पहुंचने वाली है। मुंह में भी पहुंचाने के लिए आपको अपना हाथ चलाना पड़ेगा और इसलिए आप भी ये प्रयास करें। इसलिए यह गोष्ठी की गई है कि हम सब मिलकर के प्रयास करें, हम लाइन स्विंग करें। हम लोगों ने जो है वो कृषि यंत्रों में सुपर सीडर दिया है, फर्टिसीड ड्रिल दिया है कि एक साथ ही जो है आप बीज भी डालोगे, फर्टिलाइजर भी डालोगे, इन सब कृषि यंत्रों के भीतर शामिल किया है हमने।
एक लाइन से बोलो बोओगे तो आप जो पहले ऐसे डालते थे यूरिया को या डीएपी को डालते हैं, फर्टिलाइजर मिट्टी नहीं खाती है, पौधा लेता है।